सुप्रभात, मैं धनंजय कुमार महतो वर्ग सस से अष्टम तक के विद्यार्थियों के लिए संज्ञा और उसके भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। साधारणतः उसे यूं भी कह सकते हैं, नाम ही संज्ञा है। जैसे राम, कलम, पटना, सुंदरता आदि, तो ये व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं, ज्ञातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, जिससे जाति भर का बोध हो, किसी वस्तु, प्राणी, मैंने इसके जाति में जाति का बोध हो, जिससे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, एक पशु में सारे पशु, फल से सारे फल, फूल से सारे फूल, नदी सारी नदियां, पहाड़ सभी पहाड़ आदि, इससे जाति भर का बोध होता है, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास या विशिष्ट, एक का खास या विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम से खास व्यक्ति का बोध होता है, हिमालय खास पहाड़ का नाम है, दुर्गा पूजा ये खास त्योहार का नाम है, ये गंगा ये नदी का नाम है। तो जिसे खास या निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा, जिसे समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना समूह का बोध कराता है, मेला में भी समूह का, शादी का गुच्छा समूह का बोध कराता है, इसे इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा या तोला जाए, जिस वस्तु को नापा या तोला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, सोना, चांदी आदि। अब भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, धर्म, स्वभाव आदि के भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, बचपन, मित्रता, ईमानदारी, ये सब गुण को विशेषता को बता रहा है, स्वभाव को बता रहा है, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आज मैं इतना ही बता रहा हूँ और इतना ही, आगे के क्लास में मैं भाववाचक संज्ञा के बारे में